खबर उत्तर प्रदेश बरेली से। पुराने शहर के एक मैरिज हॉल में भारतीय यूथ ब्रिगेड बीजेपी समर्पित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम ठाकुर बरेली पहुंचे। भारतीय यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शाकिर व उनके पद के अधिकारी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फिर गौतम ने जिला बरेली कार्यालय के अपने हाथों से उद्घाटन किया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभा संबोधित की और सारे पद अधिकारियों को नियुक्ति पद देकर सम्मानित किया। काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शाहबुद्दीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया और कहा कि हम और हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ और 2024 में काफी अच्छे बहुमत से जीत दिलवाने का काम करेंगे। फिर गर्मी को देखते हुए एक विशाल रैली का आयोजन हुआ, जिसमें काफी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पैदल चलकर लोगों का अभिवादन किया और बहुत से लोगों ने गौतम पर पुष्प वर्षा की। उस रैली में पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला। भारतीय युद्ध ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम ठाकुर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, इस बार दोबारा से आएगी मोदी सरकार और हमारा संगठन हर समय मजलूम और गरीबों के साथ है। जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती, हम उनकी आवाज बनकर सड़कों पर उतरेंगे, उनको दिलाने का काम करेंगे। रैली का जगह जगह स्वागत हुआ। फिर रैली का समापन किया गया, जिसमें भारतीय युद्ध ब्रिगेड के कार्यकर्ता डॉक्टर हाफिज खान, जिला महामंत्री नदीम अंसारी, जिला मंत्री जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सैयद शाहबुद्दीन, जिला मंत्री शहजुल रिजवान, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा शालिनी आदि लोग मौजूद रहे। एक्चुअली 2024 के इलेक्शन की तैयारी में इतनी सारी मीटिंग चल रही है, तो संतोष गंगवार जी की मीटिंग भी चल रही है, विधायक जी की भी चल रही है, मेयर साहब की भी चल रही है, तो उनको आमंत्रित तो भेज दिया गया था और आना भी संभव था, मगर मीटिंग के कारण वो नहीं आ पाए। 2024 के लिए क्या तैयारी पसमांदा समाज कर रहा है इलेक्शन में आने वाले? देखिए, 2024 के तैयारी जो है, अभी जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है, वही तैयारी चल रही है और आगे इलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से जीतने की संभावना है। मुख्य अतिथि के रूप में जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं यहाँ पर, और बाकी हमारे संतोष गंगवार जी हैं, विधायक जी हैं, इनको हमने बुलाया था, इनसे हम राय लेना चाहेंगे, इनके मार्गदर्शन पर चलेंगे। जैसे कि मोदी जी के मार्गदर्शन में सबको चलना है, क्योंकि उनको पुनः जो है प्रधानमंत्री हम बनाएंगे। वार्ता रखी है, किस संबंध में रखी है और आपका किस कार्य से नवाजा गया, किस पद से है? देखिए, मैं भारतीय यूथ ब्रिगेड महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पद से माननीय गौतम ठाकुर जी ने मुझे नवाजा है। और आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है, ये इस संबंध में रखी गई है कि जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, इनके इस्तकबाल में हमने ये प्रोग्राम रखा है। प्रेस वार्ता भी इसलिए रखी है, साथ ही हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं ताकि वो 2024 के इलेक्शन में हमें भरपूर साथ मिले। हमारा टारगेट है कि हम अल्पसंख्यक लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ें और जो उन लोगों के लिए योजनाएँ इतने समय से चल रही, जिनका वो लाभ ले रहे हैं या जो उस लाभ से अभी वंचित हैं, तो उन तक हम वो लाभ पहुँचाएँ, ताकि लोगों के मन में जो भी जो है भ्रांतियाँ हैं या उन्हें लगता है कि उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो उन लोगों को हम जागरूक करें। सत्ता आपके पास है, सत्ता में दोबारा 24 में रिपीट भी करेगी, क्या महिलाओं के लिए सरकार ने कोई नीति बनाई है? जो मुस्लिम अल्पसंख्यक महिला हैं उनके लिए क्या कानून और नियम के लिए? देखिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए जैसे आपको पता होगा, पहले 3 तलाक का बहुत मामले हमारे सामने आते थे, लेकिन अब उन चीज़ों को लेके भी सरकार ने बहुत सारे ऐसे रूल बनाए हैं कि अब जो है उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं हो सकता। आज जो कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए, क्या कार्यक्रम है? मैं नदी में पद सर्वप्रथम माननीय ठाकुर जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, आला हजरत और नाथ नगरी की सरजमी पे बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारे जिले में नए पदाधिकारी बनाए गए यूथ ब्रिगेड के, उनको मेरे लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और भाजपा जो कहती है वो करती है, और भाजपा की कथनी करने में फर्क नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा। मैं आज इस प्रोग्राम में इसलिए आया था क्योंकि हमारा रास्ता, मैं भी NDA में शामिल हूँ, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारा आपका रास्ता एक ही है। इसीलिए मैं आज माननीय ठाकुर जी के इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ और ऐसी महान हस्ती के दर्शन और मुझे स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उनका इस सरदमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि भाजपा गुड्डू पप्पू की तरह
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।